रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूं? आप ये गेम देखो कि कैसे पनीर टीके को अभी तक बचा के रख पाए हैं ये लोग बैन होने से। अब जो फैक्ट आप जानने वाले हैं, ये फैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जाने बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कैसे जुगाड़ लगाकर ये लोग पनीर टीके को अप्रूव करवाते हैं। ये बात कभी भी आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स का भी ध्यान नहीं जाता इस तरफ। सबसे पहली चीज, ब्रेक थ्रू केसेस किन केसेस को कहते हैं ये समझना है। बीटी केसेस यानी कि पनीर टीके खाने के 14 दिन बाद अगर किसी को ये नई बीमारी जो आजकल फैला दी गई है वो हो जाए तो उसे कहते हैं बीटी केसेस। 14 डेज के बाद इसलिए क्योंकि 14 डेज के बाद ही पनीर टीका अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बना पाता है। समझ गए ना? सिंपल है इतना तो। टीका लगने के 14 दिन बाद अगर किसी को ये बीमारी हो जाए जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं तो वो कहा जाएगा बीटी केस। अब नेक्स्ट इन लोगों की चलाकी देखो। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। पहली चलाकी, उसके लिए आपको सीटी वैल्यू का मतलब समझना होगा। इस नई बीमारी की टेस्टिंग में आपके टेस्ट सैंपल में बीमारी ढूंढने के लिए ऐसा समझो कि सैंपल को जूम किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या इस बीमारी के कीटाणु मौजूद हैं या नहीं। ठीक, अब जितना ज़्यादा बार जूम करेंगे तो उतनी ज़्यादा चांसेस है कि बीमारी के कीटाणु दिख जाए। इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि 35 बार से ज़्यादा जूम नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा बार जूम किया तो हर किसी में इस बीमारी के कीटाणु दिख जाएंगे और फिर टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ही 35 बार करना है जूम, और इसके अंदर अंदर जिसके सैंपल में कीटाणु दिख गए उसको बीमार मान लिया जाएगा। अब जितना कम बार जूम होगा तो उतने कम चांसेस है बीमार दिखने के, ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब गेम देखो, इन लोगों ने नया रूल निकाला है। जिसने पनीर टीका खा लिया है और उसके बाद वो बीमार पड़ता है यानी कि बीटी केस कैटेगरी में आता है तो उसके सैंपल की सिर्फ 28 साइकिल चलनी है यानी कि 28 बार जूम करना है, और जिसने पनीर टीका नहीं खाया उसके 35 बार तक साइकिल चलनी है। टीका नहीं खाया तो 35 साइकिल पर स्टॉप, टीका खा लिया तो 28 साइकिल पर स्टॉप। मतलब ये हुआ कि अब 28 से 35 के बीच वाले केसेस अब केसेस नहीं माने जाएंगे अगर टीका लगवा लिया गया है। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस घट गए, और मेनली ज़्यादातर केसेस 28 बार साइकिल चलाने के बाद ही दिखते हैं यानी कि 28 बार तक जूम करने के बाद ही नज़र आते हैं। लेकिन इन्होंने लिमिट कर दिया कि पनीर टीके वाले लोगों की साइकिल या जूम सिर्फ 28 बार तक ही करी जाएगी। CDC के इस रूल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि 35 की जगह जब 28 बार साइकिल चलाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली कम केसेस ही सामने आएंगे। इससे ये होगा कि बीटी केसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और डॉक्टर्स बोलेंगे पनीर टीका खाकर डिप्रेशन सही हो गया लोगों का और केसेस कम हो गए। देखा, हमने तो पहले ही कहा था पनीर टीका है ही बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाला गेम समझ गए होंगे। ये गेम आप लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये वीडियो दोबारा से देखिए। ये तो सिर्फ एक चलाकी है, इसके अलावा 3 और चलाकी करी है इन लोगों ने जो इससे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट गेम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका साथी डॉक्टर यल्लू।